सी बीमारी छुपा के शादी कर दी है। वहाँ पर भी इन्होंने जो मेन समस्या थी इनकी वो नहीं बताई है। लड़की ने शर्मवश नहीं बताया कि समस्या क्या है, कि इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो। यूपी के हमीरपुर जिले की निवासी एक नवविवाहित युवती की मौत के बाद पति पर पत्नी के साथ दरिंदगी का आरोप लगा है। नवविवाहिता युवती के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद सुहागरात के दिन पति ने पौरुष क्षमता बढ़ाने की दवा खाकर पत्नी से सेक्स किया, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। मामला हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के PWD कॉलोनी का है, जहां के रहने वाले मृतक के परिजनों ने बताया कि उनकी बहन सगुन की शादी 3 फरवरी 2024 को जालौन जिले के निवासी नितिल ओमरे के साथ दान दहेज देकर हुई थी। विदाई के बाद महिला के पति ने पौरुष क्षमता बढ़ाने की दवा खाकर सेक्स किया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और तभी ससुराल वालों ने लड़की के परिजनों को झूठी बीमारी की सूचना बताकर इलाज की बात कही। लड़की के भाई ने कानपुर में इलाज करवाया और तभी उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कानपुर में पोस्टमार्टम करवाया है कि उसके साथ क्या हुआ था। इसके अलावा उसने मरने से पहले अपनी भाभी को हकीकत बता दी थी। इस मामले में अब परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भैया, हमारी ननंद की शादी हुई थी, माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है हमारे, हम ही लोग ने शादी की। तो बिट्टी की जब शादी 3 फरवरी की शादी थी और 4 की विदा थी, ये लोग 4 को विदा होके गए हैं। तब फोटोज़ वगैरह भी आप देख लो, बिल्कुल स्वस्थ लड़की गई है, सब कुछ सही रहा है। हमें 7 तारीख को हम लोग कानपुर शादी में अटेंड करने जा रहे थे, हस्बैंड और मैं और बिटिया मेरी। तो इन लोग का फ़ोन आया कि 11:30 बजे के लगभग फ़ोन आया कि कह रहे हैं कि आपने ये बताइए कौन सी बीमारी छुपा के शादी कर दी है। हमने कहा आपने शुरुआत से देखा सुना, उसको कभी बुखार तक नहीं आया है और आप कह रहे हैं बीमारी। बोली नहीं, वो देखो वो पलटी कर रही है। हमने कहा हो सकता है, हमने ऐसा नहीं सोचा कि कुछ बड़ी बात है, हमने सोचा शायद सर्दी अर्दी लग गई हो। तो इन्होंने स्वयं नहीं दिखाया वहाँ पे कि स्वयं गए हों, स्वयं इनको एडमिट कराना चाहिए, हमको फ़ोन करके भेज रहे हैं। तो हम शादी अटेंड ना करके सीधे उरई चले गए, कानपुर से उरई पहुँचे। उरई पहुँच के तुरंत लड़की को ला के हमने विमल नर्सिंग होम सर्वोदय नगर में एडमिट कराया। वहाँ लड़की, वहाँ पर भी इन्होंने जो मेन समस्या थी इनकी वो नहीं बताई, ये सिर्फ बताया कि पलटी हो रही है, लैटेंट डिहाइड्रेशन का उसका इलाज चलता रहा। डिहाइड्रेशन के इलाज के बाद जब उसको समस्या दूसरी थी, इन्होंने जो दमान था वो भी था साथ में, लड़की का हस्बैंड वो भी था, तो उसने भी नहीं बताया। लड़की ने शर्मवश नहीं बताया कि समस्या क्या है। और जब थोड़ा सा पलटी उसमें आराम लग गया, ये हुआ कि घर में बच्चे अकेले, यहाँ पे मेरे घर पे कोई नहीं था, तब हम लोग आए तो वहाँ आराम लग गया था, आ गए। ये हुआ कि जो दवा है यहाँ देते जाएंगे उन्हीं के प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू, उन्होंने दवा पूरी दी कि आप तीन खुराक दवा थी, आप आराम लग जाएगा। जब आराम नहीं लगा तब मैंने लड़की को जोरवश पूछा कि क्या समस्या है, तब उसने हमको रियल समस्या बताई कि इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जिस कारण वो गायनों को दिखाया तो गायनों ने बताया इसको इस तरीके से है कि जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो, इस तरह से इसकी बॉडी पूरी उसी से इन्फेक्शन फैल गया पूरा। क्या आपने थाने में वहाँ तहरीर दी है या कुछ किया? कहाँ पे पुलिस में कोई कार्रवाई की अभी आपने? हमने अभी कुछ नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जब हमने, जब ये लोग इस तरीके से बोल रहे थे तो हम लोगों ने कानपुर में PM करवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। क्या नाम है? मामला ये है कि 3 फरवरी को हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी उरई में, और जो है 4 तारीख को बारात विदा हुई, और 7 तारीख को हमारे पास फोन आया, बोले कि जो है तुम्हारी बहन को क्या ऐसी गंभीर बीमारी है कि वो तो हमसे छुपा के वो किए हो, और अब इसके इलाज में हम रुपया खर्चा करेंगे, और ऐसा करो इनको लेके जाओ और इलाज कराओ, और इसमें तो 10 लाख रुपया लग जाएगा। तो हम इनको कानपुर लेके गए,
और वहाँ पे ना इन्होंने कोई पैसा खर्चा किया ना कुछ किया, सब हम ही करते रहे और ये 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि हमको 10 लाख रुपए दो तब हम इलाज कराए। तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, इन्होंने जो है उसके साथ में गलत किया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। ये 7 तारीख की घटना है और 10 तारीख को खत्म होती है, एक्सपायर होती है। 3 दिन इलाज करवाते रहे हम उसका।